अगर आप फैंटेसी एप्स या गेमिंग वेबसाइट के जरिए पैसे कमाते हैं तो अब से आपके मुनाफे पर तगड़ी चोट लगने वाली है। सरकार ने इस बार के बजट में प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल से ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली हर कमाई पर 30% TDS काटा जाएगा। बता दें, इससे पहले 30% TDS केवल 10,000 रुपये से अधिक की जीत पर ही लगता था, लेकिन अब से जो भी राशि गेम से जीती जाएगी उस पर TDS कटेगा। इसके पीछे सरकार की मंशा टैक्स चोरी को रोकने की है, क्योंकि इससे पहले जब कोई व्यक्ति किसी गेम में 1,000 रुपये की एंट्री फीस देकर 12,000 रुपये जीतता था तो 11,000 रुपयों पर उसका 30% TDS लगता था। इस हिसाब से उसे 11,000 की जीत पर 3,300 रुपये TDS देना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बदलाव क्या हुआ है। तो जहां पहले आपको 10,000 या उससे ज्यादा की कमाई पर टैक्स देना होता था, वहीं अब अगर आप 1,000 रुपये की एंट्री फीस देकर गेम में दाखिल होते हैं और 8,000 रुपये जीतते हैं तो आपको 7,000 रुपयों पर TDS देना होगा और एंट्री फीस को जीत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बजट में इस प्रावधान को लाए जाने के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि कुछ कंपनियां जीत की राशि को जानबूझकर 10,000 रुपये से कम रख रही थीं ताकि TDS भरने से बचा जा सके। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय कुछ अलग है। उनका मानना है कि टैक्स चोरी को रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं। वहीं एक एक्सपर्ट का मानना है कि इससे लोग गेम खेलने के अनऑथराइज तरीके का इस्तेमाल करने लगेंगे। वहीं बात अगर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की करें तो ऑनलाइन गेमिंग भारत में तेजी से बढ़ रही है। 2022 में 15 बिलियन डाउनलोड्स के साथ भारत दुनिया में मोबाइल गेम्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस था। तो वहीं अब 5G के आने से देश में ऑनलाइन गेमिंग और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और 2025 तक ये $5 अरब की इंडस्ट्री बन सकती है। अब ऐसे यूजर बेस और फास्ट इंटरनेट सर्विस के साथ ऑनलाइन गेमिंग का ग्रो करना तो तय है, लेकिन उससे कमाई करने वालों के लिए अब शायद ये रास्ता मुश्किल हो सकता है। आपकी सरकार के इस फैसले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।